त्याग का स्वार्थ। आदर्श जीवन यह नहीं कि हम एक लंगोटी लगा लें। जब हमारे अंदर बढ़िया बढ़िया कपड़ों की चाह हो, अथवा हम एक झोपड़ी में रहें, जबकि हमारा मन महलों में रहने के लिए निरंतर भटकता हो। आदर्श जीवन तो वह है जिसमें त्याग आदमी के भीतर से उपजे और बाहर के थोड़े से भी परिग्रह में आदमी की आसक्ति न रहे। आज की दुनिया में यह बहुत मुश्किल है। हमारे चारों ओर मोह जाल बिछा है और काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना क्यों न जाए, थोड़ी बहुत कालिक उसे लगे बिना रह नहीं सकती। हमारी निगाह आज अपनी ओर नहीं और हम जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थता आदि गुणों को भूल गए हैं। अपने लाभ की बात हम सोचते हैं, भले ही उससे दूसरे का हित क्यों न होता हो। आज हमारे मानवीय गुणों को नहीं, हमारी दुर्बलताओं को विकास का अवसर मिल रहा है। अपने ही देश में नहीं, सारी दुनिया में यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मनुष्य जैसे सीमित होकर स्वार्थ के एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो गया है और यह जो सामने चीज़ों का विस्तार दिख पड़ता है वह इसलिए है कि यदि कोई उससे बाहर होना चाहे तो सुवर्ण नगरी का मोह और आकर्षण उसे फंसाए रखें, वह उसी में तड़पता रहे। निसंदेह आज हम बड़े स्वार्थपरायण हो गए हैं। यह स्थिति कल्याणकारी नहीं है, यह हमें विनाश की ओर ही ले जा सकती है। अखंड ज्योति, नवंबर 1956, पृष्ठ 35। Thank you.